एम्पल उसने हमें क्या दी कि जो लूप सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वन टू थ्री फोर वी हैव फोर ऑब्जेक्ट एंड आउट ऑफ फोर उसने टू ऑब्जेक्ट्स को लूप कर दिया सो so उसने क्या इसकी फ्रैक्शन लिखी कि टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ फोर हैव बीन लूप्ड सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया के दो ऑब्जेक्ट्स को लूप किया हुआ है टोटल फोर ऑब्जेक्ट्स थे नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट बी सो हाउ मेनी चिक्स आर गिवन वी हैव फोर चिक्स वन टू थ्री फोर सो टोटल वी हैव फोर चिक्स आर गिवन एंड आउट ऑफ फोर ओनली वन इज बींग लूप्ड सो so, ए के गद लूप बना दिया गया है इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा कि वन पार्ट इज़ बीइंग लूप आउट ऑफ फोर टोटल पार्ट्स कि चार पार्ट्स में से सिर्फ एक के गर्द लूप लगाया गया है तो आंसर हुआ वन बाई फोर नेक्स्ट पार्ट सी वी हैव गिवन वन टू थ्री फोर फोर बाई और फोर में से वन टू थ्री थ्री के अराउंड लूप लगा हुआ है सो आर आंसर विल बी थ्री साइकिल्स आर लूप्ड आउट ऑफ फोर सो आंसर हमारा क्या बना कि थ्री साइकिल्स के अराउंड लूप है टोटल फोर साइकिल्स थी सो so आज के लिए हम ये छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जिसके सिर्फ टू सम्स हैं इट इज़ ओनली आ क्लास वर्क इसको आपको होमवर्क के तौर पे सॉल्व नहीं करना सो ऑन द नेक्स्ट लेक्चर आपको इन होमवर्क असाइन किया जाएगा लेकिन आज का लेक्चर आपका सिर्फ सी के हवाले से है। इसको आपने बुक पर ही सॉल्व करना है ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सो दिस इज़ अ क्लास वर्क फॉर ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवंबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी Okay, see you in the next lecture. Allah Hafiz.